सीसीटीवी से भी पहचान गई, लोकल इनपुट्स भी थे, इतने सारे लोग वहां पर मौजूद थे उनसे भी आइडेंटिफिकेशन हो गया, तो उन सारी चीजों को जो है करेक्ट रिसोर्सेज यूज करके हमने जो है इसको आइडेंटिफाई किया। नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं अनिल। पटना पुलिस ने गोलीबारी मामले का खुलासा करते हुए एक अपराधी को गिरफ्तार किया है। मामला पटना के कंकड़बाग थाना क्षेत्र का है, जहां पे बीते 31 जनवरी की रात अपराधियों ने कहीं ना कहीं बारात में सम्मिलित बारातियों के ऊपर अंधाधुंध फायरिंग करके दहशत का माहौल फैला दिया था। कंकड़बाग थाना क्षेत्र के मधुर मिलन समारोह में बाराती आए युवकों में से 2 युवकों को गोली मारी गई थी और अपराधी वहां से फरार हो गए थे। इस मामले में महज 3 दिनों के भीतर पटना पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक अपराधी पिट्टू नाम के अपराधी को गिरफ्तार किया है। वहीं उसके पास से एक कट्टा, 2 मोबाइल और घटना के वक्त जिस गाड़ी से बारातियों को धक्का मारी गई थी उस गाड़ी को भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। आइए इस पूरे मामले पर क्या कह रहे हैं सदर ASP काम्या मिश्रा, सीधे सुनवाते हैं। 31 जनवरी को जो है घटना घटित हुई थी, जहां पर कुछ अज्ञात अपराध कर्मियों द्वारा बारातियों पर दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग किया गया था। तो पूरी घटना का उद्भेदन हो गया है, उसमें से जो है एक अभी कुमार नाम का व्यक्ति जो है उसको हमने गिरफ्तार कर लिया है। तकनीकी सहयोग और लोकल जितने हमारे पास इनपुट्स थे ह्यूमन इंटेलिजेंस के, उसके बेसिस पे जो है हमने इसको गिरफ्तार किया, कंकड़बाग से गिरफ्तार किया, कल की गिरफ्तारी है। अब इन्होंने अपने स्वीकारोक्ति बयान में सारी घटना के बारे में बताया कि कैसे कैसे घटना कारित किया गया और क्यों कारित किया गया। तो इसमें पता चला कि ये जो है एक ह्यूंडई जेस्ट करके गाड़ी है, वहाँ पर अपने दोस्त के साथ, जो खुद एक कुख्यात अपराधी है और 3-4 बार जेल भी जा चुके हैं हत्या के जुर्म में, उसके साथ जो है ये घूमने के लिए निकले थे। उसी समय जो ये मधुमिलन जो मैरिज हॉल है ये वहाँ से पास हो रहे थे, उस टाइम पे बारात भी उसी हॉल में एंटर कर रही थी। उस समय क्या हुआ, कुछ बारातियों और इनके बीच में किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया, इनकी गाड़ी से एक बाराती को टक्कर लग गई थी, उसके बाद इन लोगों ने जो है उनके बीच में बहसा बहसी हो गई। अब इसको लेकर के इन दोनों के जो है ईगो में काफ़ी हर्ट हो गया कि आप हमारे इलाके में हमें ही कैसे जो है डांट सकते हैं या हमारे साथ ही कैसे जो है आप कुछ कह सकते हैं। इसको लेकर के इनको बड़ा गुस्सा आया, इन्होंने गाड़ी जो है वो आगे लेकर के गए और कुछ दूरी पर जा करके गाड़ी पार्क कर दी। उसके बाद गाड़ी पार्क करने के बाद वहाँ पे उन्होंने अपने एक और साथी को बुलाया, वो तीनों एक ग्लैमर बाइक के ऊपर सवार हुए, एक कट्टा और एक पिस्टल लिया और वहाँ से दोबारा इस मैरिज हॉल में आए और रैंडमली जिन लोगों के साथ झगड़ा हुआ, ज़रूरी नहीं है उन्हीं को मारा है, रैंडमली जो वहाँ पे जो भी लोग मौजूद थे वहाँ पे उन्होंने 2 लोगों को गोली मार दी, एक को पैर पे गोली लगी और दूसरे को सर पे गोली लगी। एक खतरे से बाहर है और एक की हालत अभी भी गंभीर है। कितने राउंड फायरिंग हुई थी वहाँ? टोटल जो है 3-4 राउंड की बात बताई जा रही है, लेकिन हमें वहाँ से बरामद 2 ही खोखे हो पाए थे, खाली खोखे। और इनके साथ जो है घटना में प्रयुक्त हुआ हुआ गाड़ी, जिस गाड़ी से ये पहले गए थे, जिससे झगड़ा हुआ था, जिस गाड़ी को बारातियों ने वहाँ पर आइडेंटिफाई हुआ था कि इस गाड़ी से जो है अपराध कर्मी आए थे और झगड़ा हुआ था, और उसके बाद जो है जिस कट्टा का प्रयोग किया गया था घटना में वो भी जो है बरामद हो गया। इस पूरे घटना को उद्भेदित करने में बहुत अच्छा काम किया कंकड़बाग SHO रवि ने, और इनके साथ थे SI ललित विजय और कांस्टेबल प्रभात कुमार चौहान और रंजीत कुमार, इन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया। 2-3 दिन के अंदर में जो है इन्होंने पूरे घटना को उद्भेदन भी कर लिया और एक आरोपी अभी हमारे शिकंज में है। सीसीटीवी से भी पहचान गई, लोकल इनपुट्स भी थे, इतने सारे लोग वहाँ पर मौजूद थे उनसे भी आइडेंटिफिकेशन हो गया, तो उन सारी चीज़ों को जो है करेक्ट रिसोर्सेज यूज करके हमने जो है इसको आइडेंटिफाई किया। अच्छा, मैरिज हॉल में कोई सीसीटीवी नहीं था? मैरिज हॉल में सीसीटीवी नहीं था। तो जाहिर सी बात है जिस तरह से बारात के दौरान कहीं ना कहीं मातम में बदल गया था और उसका पटना पुलिस ने सफल उद्भेदन करते हुए 3 अपराधियों में से एक अपराधी को गिरफ्तार किया है और इसके पूछताछ में 2 अपराधियों की तलाश फिलहाल पुलिस की लगातार जारी है और जल्द ही पुलिस का दावा है कि उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तमाम ऐसी छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहें न्यूज़ फाउंडेशन।